मिट्टी आपके इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर आपको इसके बारे में जानना है और आपको ये भी जानना है कि आपके प्लांट्स क्यों मरते हैं इंडोर्स, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए माय प्लांट माय बेबी पे और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करते हैं कि इंडोर प्लांट्स के लिए मिट्टी क्यों हार्मफुल होती है और क्या चीज़ यूज़ करें ताकि आपके प्लांट्स हेल्दी और तंदुरुस्त हों। आज अनु के नुस्खे में मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी यूजली बहुत सारे इंसेक्ट्स लेके आती है अपने साथ, बहुत सारी फंगल एक्टिविटी लेके आती है, पोरोसिटी को बहुत ही कम रखती है और आपके प्लांट्स को जो इंडोर ग्रो हो रहे हैं उन्हें एरेशन नहीं देती है। इसलिए आपके जो प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे इंडोर्स में मरना भी शुरू हो जाते हैं। और मीडिया जो सॉइल है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, या जो जिससे खाना जाता है, एक प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप सॉइललेस मीडिया यूज़ करें, जो आज वर्ल्ड में मोस्टली हर गार्डन सेंटर्स और बड़े सेटअप्स में यूज़ होता है और अब धीरे धीरे छोटी नर्सरीज में भी बहुत कॉमन हो चुका है। इसके बहुत फीचर्स होते हैं और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्लांट्स के मुकाबले बहुत अच्छी होती हैं। बहुत ही पोरस होता है, बहुत लाइट होता है, एरेशन बहुत अच्छा होता है, कोई फंगल एक्टिविटी कम होती है, कोकोपीट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने अंदर उसको पानी को अब्सॉर्ब करके रखता है तो आपको वाटरिंग कम करनी पड़ती है, और ऑक्सीजनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो उस वाले में, हम इस उसमें कोकोपीट यूज़ करते हैं। कोकोपीट क्या होता है, जो कोकोनट होता है उसके ऊपर का छिलका, उसको यूज़ किया जाता है इसमें। और ये यूजली आपने देखा होगा बहुत सारी सिल्लीज और ब्रिक्स में आता है। हम यहाँ पे इसे वाटरिंग करके उसमें उसका ईसी लेवल ठीक करते हैं। ईसी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। बेसिकली पानी या मीडिया में जब आपके प्लांट्स को खाना चाहिए होता है तो ये उन्हें पास होने देते हैं अगर आपकी ईसी लो होती है। तो पानी से जब हम इसमें डालते हैं और 6-7 बार इसे ड्रेंच करते हैं तो ईसी इसका बहुत कम हो जाता है, जिससे इसके खाने लेने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है कोकोपीट की। तो ये हमने यहाँ पे कोकोपीट डाल रखा है जो आप भी यूज़ करें। इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें एक और चीज़ होती है जो कोको हस्क कहते हैं। ये अगेन कोकोनट का ऊपर वाला छिलका होता है, ये थोड़े बड़े बड़े पीसेस होते हैं। इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसकी पोरोसिटी और अच्छी हो जाए और इसमें स्पेसिंग हो। जितनी अच्छी स्पेसिंग होगी अंदर रूट्स, उतने अच्छे ऑक्सीजनेशन होगा और उतना अच्छा उनका रूट बॉल होगा। तो इसीलिए ये कोकोपीट के साथ हम इसे कोको हस को भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करें। यूजली 1:1 या 2:1 के रेशियो में यूज़ करते हैं, जिसमें 2 भाग कोकोपीट का होता है और 1 भाग कोको हस का होता है। ये मीडिया इंडोर प्लांट्स के लिए परफेक्ट होता है। ये तो हो गया आपका मीडिया का। अगर आप कोकोनट और कोकोपीट में अपने इंडोर प्लांट्स को बना रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसमें फूड ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें खाना कुछ नहीं होता है, कुछ मिनरल्स नहीं होते हैं। ये बेसिकली एरेशन दे रहा है और होल्ड कर रहा है प्लांट को। तो इसके साथ अगर आप स्लो रिलीजर्स डालेंगे तो आप में आपका एक परफेक्ट मीडिया मिक्स बन जाएगा जो आपके इंडोर प्लांट्स को हमेशा बहुत ही अच्छा चलाएगा। तो फिर से बोलता हूँ, कोकोपीट, कोको हस्क और स्लो रिलीजर्स का मिक्सचर आप यूज़ करें अपने घरों में। यूजली स्लो रिलीजर्स 1 चम्मच एक 5 इंच पॉट में चाहिए होता है। इस पॉट में दो हिस्सा कोकोपीट रखें, एक हिस्सा कोको हस्का रखें और आपका ये परफेक्ट मीडियम बन जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करें जैसे यहाँ पे है, और अगर ये करेंगे तो आपके इंडोर प्लांट्स बहुत ही अच्छे चलेंगे। तो ये था मेरा आज का अनु का नुस्खा। देखते रहिए माई प्लांट माई बेबी, जिसमें मैं आपको और भी ऐसे बहुत सारे नुस्खे बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।